नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। मुख्यमंत्री सुख बोले, कोर्ट में हाथियों का मामला उठाएगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सादगी एक बार फिर नजर आई। मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी झील की सुंदरता को निहारा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर प्रकृति के सानिध्य का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सारे लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था प्रबंधन के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाटी समुदाय का मामला मजबूती से न्यायालय में रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए सांसद सुरेश कश्यप से कहा कि वो उन कर्मचारियों का हक भी दिलवाए जिन पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मियों का जो अंशदान है उसमें सरकार के भी 4500 करोड़ रुपए है और कर्मियों के भी एपीएफ के रूप में 12% कटने वाला अंशदान का 9000 करोड़ रुपए है। मिड डे मील वर्करों को 6 माह देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वच्छता का रखना होगा विशेष ध्यान। स्वास्थ्य फिटनेस सर्टिफिकेट न देने वाले जिले के स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार और विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हर 6 माह बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसके जाँच के लिए जल्द शिक्षा विभाग की टीम भी स्कूलों का निरीक्षण कर जाँच करेगी। हिमाचल प्रदेश के 50 उद्योगों को बड़ी राहत, प्रति यूनिट बिजली पर मिलती रहेगी 1 रुपए सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल के 50 उद्योगों को बड़ी राहत मिल गई है। उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली बोर्ड के सब्सिडी बंद करने को लेकर जारी आदेशों को हाईकोर्ट में उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दी थी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग से सब्सिडी बंद करने की मंजूरी नहीं देने का याचिका में हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अभी तक करीब 50 उद्योगों को स्टे दे दिया है। वीरवार को सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदेश में स्थित बड़े उद्योगों को प्रति यूनिट बिजली दरों में दी जाने वाली 1 रुपए की सब्सिडी सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। 4 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, बारिश और बर्फबारी की संभावना, जाने मौसम का ताजा हाल। प्रदेश में शुष्क ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन तक मंडी, बिलासपुर, ऊना और कुछ अन्य स्थानों पर सुबह व शाम घना कोहरा छाया रहेगा। इससे यातायात सेवाएं प्रभावित होंगी। 15 व 16 नवंबर को 1-2 ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा की संभावना है। मंगलवार को घने कोहरे और हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। दोपहर बाद शिमला, मनाली व कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे। करीब 2 माह से शुष्क ठंड जारी है। रबी के फसलों की बुआई भी नहीं हो सकी है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। डलहौजी में 2.1, मंडी, भुंतर और भरमौर में 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला, भुंतर और कांगड़ा में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।